नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में यहाँ से कंसिडरेशन में रख करके सवाल पूछा गया है आपसे। हर बार की तरह वीडियो में आखिर में एक सवाल, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। पार्टिसिपेशन की बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि कैंडिडेट्स कमेंट करके जवाब देंगे। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको? बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के डायरेक्टली आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो खेलो इंडिया को समझने से पहले हम इसको तीन भागों में समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपको वीडियोज में बताती हूँ। पहला ये कि खेलो इंडिया आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे क्यों शुरू किया गया था, इसका एम क्या था, और दूसरे में हम ये समझेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फायदे नुकसान कौन से हैं हमारे लिए, और आखिर में मैं बात करूंगी कंक्लूजन के बारे में, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई इसका निष्कर्ष क्या है और उस निष्कर्ष के साथ क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। और मैं साथ में आपको ये भी बताते हुए आगे बढ़ूंगी क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से हो सकती है और सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो वीडियो शुरू करेंगे, वाई खेलो इंडिया से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, देखिए खेलो इंडिया जो है यहाँ पर एक कंप्लीशन है, कितने साल का? 5 ईयर का, जो खेलो इंडिया को कंप्लीट करता है। 5 साल का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत में खेलों के विकास के लिए कहीं न कहीं एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को लेकर के खेलो इंडिया को शुरू किया है, और कहीं न कहीं एक इनिशिएटिव है किस चीज का, ताकि हम नर्चर कर पाए जो स्पोर्ट्स हमारे मेन है या फिर वुमेन है या फिर टैलेंट जिसके अंदर है, और इसके साथ साथ हम एक ऐसा ऑप्टिमल इन्वायरमेंट दे पाए, यानी कि पूरी तरीके से हम उनके प्रतिभाओं को बढ़ावा दे पाए, ताकि हम स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ को इंश्योर कर पाए। कुल मिलाकर के अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो खेलो इंडिया का पूरा एक उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में जो भी लड़के लड़कियां खेलों में या फिर स्पोर्ट्स में अपने जीवन को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 5 साल का ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, जहां पर वो अपने जीवन को स्पोर्ट्स में अपने इन्वायरमेंट को और अपने फिजिक को अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ ले कि कब शुरू हुआ क्यों नहीं शुरू हुआ। देखिए 31 जनवरी 2018 को प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था खेलो इंडिया को, और स्कूल गेम्स के साथ साथ यूनिवर्सिटीज गेम्स को भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया गया था। ओपनिंग सेरेमनी बिल्कुल बेस्ड थी गुरु शिष्य ट्रेडिशन के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम है जहां पर हम गुरु के बिना किसी भी चीज को नहीं सीख सकते, यानी कि पॉलिशिंग के लिए, खुद के जो है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए आपको गुरु की हमेशा आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये जो इवेंट था ये करवाया गया था। इसका एम क्या है, हालांकि इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। जब इसको शुरू किया गया था 2018 में, तो खेलो इंडिया का एम बेसिकली, जो कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर स्लाइड में क्लियर किया था, कि पॉपुलर तरीके से जो रूरल है, यानी कि ऐसे गांव जहां पर बच्चों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, इंडिजीनियस खेलों से ऊपर उठना, ट्राइबल गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, और उसके साथ साथ इन सारे के सारे गेम्स में बच्चों को इनकरेज करना, यूथ को आगे बढ़ावा देना, और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है, यानी कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा गेम को हम मेन स्ट्रीम में लेकर के आ पाए, यानी कि बीच में लेकर के आ पाए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो इसका मैस्केट है, इसको जो बोलते हैं, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, साफ नियत सही विकास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 48 मंथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जितनी भी चीजें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 48 मंथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की हम बात कर रहे हैं, साफ नियत सही विकास की बात की जा रही है। खेलेगा भारत तभी तो खिलेगा भारत, ये स्लोगन था उस वक्त का जो कि आप देख पा रहे हैं। नंबर 3, और इसके क्या क्या यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप की जो भावना होती है उसको, इसके अंदर हम क्या क्या चीजों को लेकर के आ पा रहे हैं। तो मास मूवमेंट को प्रमोट करना, यानी कि भारी मात्रा में लोग पार्टिसिपेशन कर पाए। एनुअल फाइनेंस असिस्ट कर रहा है 5 लाख रुपए का, यानी कि हर साल 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे और 8 साल तक ये पैसे दिए जाएंगे, जो कि टैलेंटेड प्लेयर्स हैं हमारे, कोई भी ऐसा प्लेयर जो कि पर्टिकुलर फील्ड में अपनी प्रतिभा को दिखा पाता है। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स लॉन्च इन जन 2018, जहां पर 3,507 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेशन किया, 29 स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन किया और 7 यूटीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। और साथ में यहां पर अब रीवैम्प्ड की अगर बात करें तो इस प्रोग्राम को फाइनेंशियल आउटले की तरफ से 1,756 करोड़ रुपए जो है इनिशिएटिव देने की बात की गई थी 2020 तक का।
अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च भी यहाँ पर किया गया था कि भाई अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है जिसको कि आप दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि भाई आप बेहतर कर सकते हैं, खेल सकते हैं, तो आप उस पोर्टल के ऊपर जाकर के अपने अचीवमेंट्स को लिख सकते हैं और खुद का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ये जो इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, मुझे कमेंट करके बताइए कि खेलो इंडिया के टाइम पे उस वक्त का सिंबल क्या था, इसकी मैं बात कर रही हूँ। आगे बात करेंगे यहाँ पर फिट इंडिया के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं खेलो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से खेलों को सम्मिलित किया गया था। तो खो खो था यहाँ पर, वुशु था, रेसलिंग था, फेंचिंग था, आर्चरी था, स्विमिंग था, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स एंड योगा। तो कुल मिलाकर के 10 खेलों को यहाँ पर जो थी मान्यता दी गई थी, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो एशियन गेम्स हमारे हुए हैं उसमें किस खेल में हमें गोल्ड मेडल मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम है क्या और कैसे काम करता है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में आप सबको पता है कि भाई पूरी दुनिया के 65% यूथ जो है यहाँ पर रह रही है। कहाँ तक, एज हमारी 35 साल की उम्र तक 65% युवा यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पर 15 से लेकर 29 साल तक के जो युवा हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 27.5%। और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायनेमिक वाइब्रेंट सेगमेंट को, यानी कि कोई खेलों में आगे है, कोई स्किल में आगे है, कोई अपनी प्रतिभा को लेकर के आगे, यानी कि इतनी बड़ी जो युवा की संख्या है यहाँ पर, हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा देखने को आपको मिलेगी, इसलिए खेलो इंडिया की शुरुआत हमने की थी। इनकरेज कैसे करेंगे आप, यानी अगर मैं बात करूँ कि एम क्या है इसका, इसका बेनिफिट्स क्या है, तो आप इनकरेजमेंट के तौर पर जान सकते हैं। तो इनकरेज किसको करना है, मास पार्टिसिपेशन को। आप बूढ़े हैं, आप यंग हैं, आप बच्चे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि भाई आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन करें। यानी कि मास का मतलब होता है कि भारी मात्रा में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। और साथ में आप देखिए कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, यानी कि जो स्कीम्स पहले से चलती चली आ रही है, राजीव गांधी खेल अभियान, RGK, ये इसको ध्यान में रख लीजिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की अगर मैं बात करूँ, USIS, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम NSTSS, वर प्रपोज टू बी मर्ज इन टू सिंगल स्कीम कॉल्ड खेलो इंडिया। यानी कि किस किस को मर्ज किया गया है, राजीव गांधी खेलो अभियान को, साथ में यहाँ पर USSI को यहाँ पर मर्ज किया गया है, साथ में NSTSS को मर्ज किया गया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि यहाँ पर किस किस को यहाँ पर हम जो है इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कितनी संस्थाएं मिलकर के एक तरफा मेन स्ट्रीम में भारी मात्रा में लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खेलो इंडिया इंडिया की सेंट्रल स्कीम है, यानी कि सारी सुविधाएं, सारी चीजें सेंटर से यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगी और यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री से लेकर के बाहर आई है। कमेंट करके मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में अभी 2023 में हमारा यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद द व्यू ऑफ अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास पार्टिसिपेशन, यानी कि खेलो इंडिया से हम दो तरीके के कामों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो हम मास पार्टिसिपेशन की, यानी कि भारी मात्रा में लोगों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी तय करें कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम ऑफ खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स ओवर 15 फाइनेंशियल कमीशन। यानी कि ये कहना है कि भाई एक तो हम ये काम कर ही रहे हैं, साथ में जो बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं या फिर जो बच्चे आगे जीवन में पढ़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उनकी प्रतिभा को पहचान करके उनको कुछ ना कुछ फंडिंग दी जाए। जैसे कि हमने अभी पिछली बार भी स्लाइड में पढ़ा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि 7 से 8 लाख रुपए हम सालाना उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जिन बच्चों के अंदर प्रतिभा है, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं खेल में। तो यहाँ पर कितना पैसा, 15वां जो हमारा फाइनेंशियल कमीशन होगा योजना के तहत, हम यहाँ पर 3,165 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे, कब तक, 25 से 26 तक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई किस फाइनेंशियल कमीशन तक, तो 15वीं फाइनेंशियल कमीशन तक हम इतना पैसा खर्चा कर देंगे केवल स्पोर्ट्स में। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि कंपोनेंट्स क्या हैं प्रोग्राम के, यानी कि इसकी नीड क्या है, क्या क्या उसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को सुधार की हम बात कर रहे हैं, कहाँ तक रीच को पहुँचाना है, क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, एम क्या है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई हमें इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की। तो स्टेट लेवल पर हम खेलेंगे इंडियन सेंटर्स, यानी कि स्टेट लेवल पर यहाँ पर बच्चों को छांटेंगे और सेंट्रल लेवल पर खिलवाएंगे लेकर के। एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होंगे, हर साल सालाना वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएँ होंगी। प्रतिभा खोज एवं विकास के ऊपर काम करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, हम अपग्रेडेशन करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, जो नई नई चीजें बदलती चली जा रही हैं, टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, हम इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमिक्स को हम यहाँ पर मौका देंगे नई एकेडमिक्स को खोलने का। फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में हम बात करें, यानी कि स्कूलों में भी फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए।
लड़कियों को और महिलाओं को भी स्पोर्ट्स में जो है आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, प्रमोशन किया जाए किसका, स्पोर्ट्स का, अमंगस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी जो बच्चे कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनको मौका दिया जाए स्पोर्ट्स में आने का। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका एनर्जी, जब आपकी विल कहीं ना कहीं सही रास्ते पर प्रमोट होने शुरू हो जाएगी तो पीस डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। प्रमोशन किसका करना है, रूरल एंड इंडिजीनियस यानी कि पुराने तरीके के खेलों में ग्रामीण खेलों को बाहर लेकर के आना, ट्राइबल गेम्स को बढ़ावा देना, ये हमारा एम है। साथ में क्रिएशन करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे स्पोर्ट्स में, नई नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, टैलेंट को हम डेवलप करेंगे, स्पोर्ट्स अकेडमिक्स बनाएंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। फिट इंडिया को भी प्रमोट करना है भाई, आप खेलेंगे कूदेंगे स्पोर्ट्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और प्रमोशन किसको देना है, इंक्लूसिवनेस को, यानी कि हम किसकी बात करें, समावेशी विकास को लेकर के, किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म से, किसी भी आप कैटेगरी से, किसी भी पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं, वहां पर हमारा है कि भाई हम हर तरीके के व्यक्ति को एक मेन स्ट्रीम में लेकर के आए और उसको हम प्रमोट करें कहाँ, फिट इंडिया की तरफ, स्पोर्ट्स इंडिया की तरफ और खेलो इंडिया की तरफ। नाउ अब तो हमने ये बात कर ली कि भाई हमारे पास पॉजिटिविटीज क्या है, हम क्यों शुरू करना चाहते हैं, आगे हम बात करेंगे भाई चैलेंजेस क्या हैं। सवाल यहाँ से बन सकता है चैलेंजेस से कि भाई असर्शन रीजन से, कथन कारक से सवाल आपका बनता नजर आएगा बिल्कुल। तो सबसे पहली बात चैलेंज क्या है कि भाई आपने खेलो इंडिया जैसा 3,000 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने यहाँ पर लॉन्च कर दिया, जहाँ पर 29 स्टेट्स और कम से कम 21,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर चैलेंजेस भी तो आपके सामने आएंगे। तो कौन कौन सा चैलेंज सामने आने वाला है, सबसे पहला चैलेंज आएगा आपके पास एब्सेंस ऑफ इंकरेजमेंट टू यूथ पीपल, यानी युवाओं को प्रोत्साहित करने का अभाव काफी कम है। आप खुद देखिए कि हिंदुस्तान जैसे क्षेत्र में कितने बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं और कितने लोग करियर को इसका विकल्प चुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अक्सर बच्चों को खेल कूद से हतोत्साहित करते हैं, शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता दी जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा हॉकी खेलता है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि भाई एबीसी का बच्चा यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर टीचर बनने वाला है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है हमेशा से इंडियन सोसाइटी में। तो ये बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है। लैक ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम, यानी कि सिस्टम भी तो होना आपके पास, यानी कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई एक स्टेट से बच्चा निकल करके चैंपियन बन जाए, स्पोर्ट्स खेले, सॉरी बॉलीवुड खेले यहाँ पर, फुटबॉल खेले, लेकिन जब उसको शुरू से कभी फुटबॉल और बॉलीवुड का डेफिनेशन सिखाया ही नहीं गया है प्राइमरी स्कूल से लेकर के टिल द स्कूलिंग खत्म करने तक, तो कैसे पॉसिबल है कि वो अपनी परफेक्शन को यहाँ पर साबित कर पाए। उससे ज्यादा अगर बड़ी बात क्या है, एकेडमिक्स नहीं है, मल्टीपल स्टेजेस हमारे पास ट्रायल्स के लिए नहीं है कि अपनी इंप्रूवमेंट वो कर पाए, ठीक है। और उससे बड़ी बात है फेवरेटिज्म की, अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता है कि आजकल जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से और स्पोर्ट्स में कितनी ज्यादा यहाँ पर विवाद पे विषय न्यूज में भी चल रही हैं, तो रीजनलिज्म काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक फैक्टर बन जाता है फेवर दिखाने का, बायसनेस करने का। करप्शन बहुत ज्यादा है सिलेक्शन प्रोसेस में कि भाई अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ जेंडर बायसनेस अगेंस्ट गर्ल्स बहुत ज्यादा है, यानी कि जितनी तवज्जो लड़कों को दी जाती है स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेशन के लिए, उतनी तवज्जो लड़कियों को नहीं दी जाती है, ये बहुत बड़ा बैरियर है पार्टिसिपेशन को लेकर के। और कहीं ना कहीं लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट का एक सबसे बड़ा कारण भी बनता नजर आता है, लैक ऑफ रोल मॉडल्स है कि भाई कभी माता पिता या आपके आसपास के लोग बताते ही नहीं कि भाई उनकी बच्ची, आसपास के लोग कितने ज्यादा जो है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। लैक ऑफ रिमुनरेशन ऑफ द जॉब सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी बात है कि नौकरी सुरक्षा का भाव बहुत बड़ी बात है कि भाई यहाँ पर पता नहीं होता है कि भाई आप 10 साल एक स्पोर्ट्स में बिताते हो और 11 साल आप अभी भी रोजी रोटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर रहती है। इसलिए काफी लोग इस तरीके के फील्ड से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और कभी भी स्पोर्ट्स को अपना करियर नहीं चुनते हैं। प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इन एब्सेंस ऑफ अ कॉडिफाइड रूल्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि जो संहिताबद्ध नियमों के अभाव में प्रशासनिक मुद्दे, योजना का कार्यान्वयन, विभिन्न प्रशासनिक बाधाओं जैसे कि फंड जारी करना, भाई पता है कि भाई अगले साल ओलंपिक होने वाला है, यहाँ पर बच्चे जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फंडिंग ही नहीं मिली उनको वहां तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए, रहने खाने का खर्चा ही नहीं दिया गया, उनको समय से खाना नहीं मिल रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है उनके ऊपर, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई पॉलिशिंग नहीं हो रही है, मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। द एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एट वेरियस स्पोर्टिंग बॉडीज एंड समटाइम्स रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ अ फीमेल एथलीट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूजमेंट, तो मैं इसी की बात कर रही थी। आपको सबको पता है कि फोगाट सिस्टर्स का जो न्यूज है कितना ज्यादा वायरल हो रहा है, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं काफी ज्यादा, अभी तो हाल फिलहाल में ये भी मुद्दा रहा कि भाई उन्होंने अपने मेडल्स तक जो है गंगा में बहाने की बात कर ली, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एथलीट्स का जो रेपुटेशन है या फिर उनका सपोर्ट है कितना ज्यादा किया जा रहा है। तो
तो ये सारी चीजें थी भाई जो मैंने अभी तक बात की। इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या जाना, क्या क्या समझा। तो हमने बात की यहाँ पर खेलो इंडिया के बारे में, टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा। हमने खेलो इंडिया को समझा यहाँ पर चार भागों में। हमने बात की पहले खेलो इंडिया है क्या, फिर हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को डाला, फिर हमने ये भी समझा कि भाई इसका जो है एम क्या है, उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हमने ये भी जाना कि भाई कितने महीने का ये प्रोग्राम है, किसको प्रमोशन दी जा रही है, कौन कौन से खेलों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर है, और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम का मोटो क्या है, यूथ को जो है सही स्ट्रीम में लेकर के आना है, इनकरेज किसको करना है, किसको आगे लेकर के जाना है, कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रही हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि भाई गवर्नमेंट है या फिर कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही है यहाँ पर फंडिंग करने की, चीज़ों को बेहतर बनाने की। फिर हमने ये जाना कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, कौन कौन सी चीज़ों को बेहतर बनाना है विमेन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर हमने यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात की। फिर हमने यहाँ पर चैलेंजेस को डिस्कस किया, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट लगा हमें भाई कि इनकरेजमेंट नहीं है सोसाइटी में, ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, गर्ल्स वॉइसनेस है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर में। फिर हमने ये भी देखा कि भाई एब्सेंस है कॉडिफाइड का, रूल्स का बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर कंप्लेंट कमेटी जो है सेक्सुअल अब्यूजिंग का बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर चलता है, वॉइसनेस को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, समटाइम्स रेजेज द क्वेश्चन अबाउट द सिक्योरिटी एंड द फीमेल एथलीट्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ये कंसर्न ऑफ मैटर्स हमारे लिए हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बात करने के बाद आज हम बात करेंगे फिर से दोबारा क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। सवाल मैं पढ़ देती हूँ। सवाल ये कह रहा है कि भाई आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो स्पोर्ट्स अवार्ड्स को यहाँ पर प्रमोट करता है 2023 में। सवाल इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिहाज से भी और आपके जनरल पार्ट से भी। तो पहला है कि मेजर ध्यानचंद फॉर द मोस्ट स्पेक्टुलर खेल रत्न अवार्ड एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्म्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को। द्रोणाचार्य अवार्ड कब दिया जाता है? टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुल ट्रेन्ड स्पोर्ट्स सन्स और टीम्स। राष्ट्रीय खेल किसे दिया जाता है? टू रिकॉग्नाइज द प्रोत्साहन पुरस्कार कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। एंड फिफ्थ कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ अबाउट पेयर्स आर करेक्टली मैच, यानी कि ऊपर दिए गए चार में से कितने पेयर्स यहाँ पर सही हैं? सिर्फ एक है, सिर्फ दो है, सिर्फ तीन है, ये सारे के सारे हैं, चार के चार हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल है जो मैंने यहाँ पर मान लिखा है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, और इन्होंने पांचवे में पूछा है कि भी कौन सा वाला सही है। तो ज़रूर इसको पढ़ करके जवाब दीजिएगा। आपसे कई बार डायरेक्टली सवाल भी पूछ लेता है कि भाई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल अवार्ड किसे दिया जाता है, हाउ मेनी जो है स्पोर्ट्स दैट वी एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंटली, या फिर ओलंपिक में कितने खेलों को हमने खेला, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इन द बिहाफ ऑफ अ खेलो इंडिया। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल एवरीवन। जो बच्चे बिल्कुल यहाँ पर अप्रिसिएशन का पार्ट बनेंगे, जो कि जवाब देंगे, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी फर्दर डिस्कशंस के लिए कोई कॉमेंट, कोई सजेशन जरूर बताइएगा, और बाकी इसकी PDF मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है बीट द कॉम्पिटिशन की, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको PDF ढूंढने और डाउनलोड करने में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और बाकी टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।